भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में आज गौतम बुद्ध नगर जिले में, जो कि गृह जनपद है बसपा सुप्रीमो मायावती का, वहां सैकड़ों लोग भीम आर्मी में शामिल हुए हैं। वो कार्यकर्ता बसपा, सपा, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों को छोड़कर आए हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने संबोधित करते हुए कहा कि हम काशीराम को के ध्येय वाक्य को लेकर आगे बढ़ेंगे। मान्यवर साहब, काशीराम की जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की नीति, उस पर चल के इसे आगे बढ़ाया जाएगा और बहुत जल्द जो है पूरी उम्मीद से इस मेहनत को किया, इस काम को किया जाएगा कि 2022 में ये जो हमारा नया राजनीतिक दल है ये लखनऊ की कुर्सी पर स्थापित हो और जो प्रदेश में और देश में जो माहौल चल रहा है, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, किसी को बोलने की इजाज़त नहीं है, किसी को अपनी बात कहने की इजाज़त नहीं है, अगर कोई राइट टू प्रोटेस्ट का प्रयोग करता है तो NSA और जेल जैसी कार्रवाई हो रही है, मुकदमे लग रहे हैं। पुलिस का जो रुख है, जो आम आदमी की सुरक्षा के लिए पुलिस का जो निर्माण हुआ था, उसका कार्य जो है आज आम आदमी पर शोषण के लिए किया जा रहा है। जिस वादों के और जिन उद्देश्य के लिए भाजपा ने वोट मांगी थी वो तो पूरे नहीं किए, आम जनता को सताने काम किया जा रहा है। स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि भीम आर्मी सबसे बड़ी चुनौती के रूप में होगी बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए। साथ ही 2022 के विधानसभा चुनाव में भी भीम आर्मी उत्तर प्रदेश के सभी सीटों पर अपनी भरपूर तैयारी कर रही है और आगामी 15 मार्च को नई राजनीतिक दल की भी घोषणा कर दी जाएगी। सुनिए प्रेस से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने। मान्यवर साहब, काशीराम जी के जन्मदिन पर 15 मार्च को जो बहुजन समाज की राजनीति का के लिए एक सबसे बड़ा मजबूत दिन है और जिस दिन से एक प्रेरणा मिलती है उस दिन जो है इसकी घोषणा की जाएगी। बाकी सब जानकारी जो इन्विटेशन देकर मीडिया को दी जाएगी। कौन कौन लोग सर शामिल होंगे, पूर्व की पार्टी जो है आपके बसपा की, उससे भी लोग शामिल होंगे? देखिए, बहुत सारे दलों से लोग आ रहे हैं, वो 15 मार्च को सब लोग वहीं रहेंगे। उसकी पूरी एक बाकायदा लिस्टेड बना के मैं आप लोगों को दूंगा कि आप उसकी अच्छी तरह से जो है घोषणा कर सकते। मैं ये भी चाहूंगा कि आप उसको दिखा भी दें। गौतम बुद्ध नगर गृह जनपद माना जाता है पूर्व मुख्यमंत्री का, क्या अपेक्षा मानते हैं कि यहाँ से कुछ ज्यादा लोग जुड़ेंगे या कुछ आगे वोट? देखिए, पूरे देश से ही लोग जुड़ेंगे, तो जहाँ सब चीज़ें डिपेंड करती है काम पे, जहाँ अच्छा काम होगा वहाँ से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, जहाँ तक अपनी बात को पहुँचा देंगे। तो उम्मीद है यहाँ से भी ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और कुछ जिम्मेदार लोग आज जुड़े भी हैं, जैसे हमारे राजस्थान के प्रभारी थे बहुजन समाज पार्टी के सतपाल जी, वो भी समाज से आते और हमारे साथ हैं। तो बाकी और भी नौजवान साथी आज जुड़े हैं, अमित कसाना साहब और सब लोग जो हैं, तो ये नौजवान लोगों का परिवार मिलकर जो है अब प्रयास करेगा कि सब लोगों को जोड़ के एक अच्छी राजनीति की और ईमानदार राजनीति की शुरुआत करें। बहन जी ये कहती है कि आप बीजेपी की बी टीम है, RSS विचारधारा पे चलते हैं, क्या है पूरा मामला? एक काम बता दीजिए, जो RSS विचारधारा किया, हाँ, RSS के हेडक्वार्टर के सामने तिरंगा तो फहरा है, अब ये उनकी विचारधारा काम नहीं है। देखिए, वो जो भी कहती हैं उनको कहना चाहिए और उससे मुझे प्रेरणा लेनी चाहिए, ये मेरे लिए एक सीख है छोटा होने के नाते। मैं उस परिवार का सबसे छोटा सिपाही हूँ और मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है इन चीज़ों पर ध्यान ना देके मुझे काम करना है और मैं काम से जवाब दे पाऊंगा। अगर मैं काम से जवाब दे पाऊँ तो कल मीडिया के लोग भी हमारा मजाक बनाएंगे। सत्ता में आने के बाद अरविंद केजरीवाल की तरह फिर गुणगान तो नहीं करेंगे? जिस दिन सत्ता में आएंगे उस दिन फिर आपको पता लगेगा, काम से बताएंगे ना, पहले दिन आपको पता लगेगा कि ऐसी सरकार बनी है जो अपने लोगों के लिए और पूरे प्रदेश के लिए सबके लिए सोचती है। काम किया ही नहीं है मैंने, तो बहुजन समाज जो मान्यवर काशीराम कह गए ना, इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग, जिसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान सब लोग आते हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक सब लोग आते हैं, आदिवासी भी आते हैं, सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, बुद्धिस्ट भी आते हैं, ये तो मान्यवर साहब काशीराम इसका फॉर्मूला देंगे, मैं तो अभी उन्हीं को जोड़ रहा हूँ। बाकी अभी तो समय है अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए और अपने लोगों को अधिकार दिलाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें की जाएंगी और कुछ नई चीज़ें भी ग्राउंड लेवल पे की जाएंगी, उसको भी हम मीडिया के थ्रू जानकारी देते हैं। सर, दिल्ली में बताया जा रहा है जो आगे नहीं करने वाले थे OBC और सबसे बड़ा झूठ मीडिया के लोग फैला रहे हैं और इसके लिए मुझे नहीं पता कितनी बड़ी कीमत मीडिया के लोगों को मिली है इसे बदनाम करने के लिए। SC ST OBC के लोग समझदार लोग हैं और वो अब धर्म की राजनीति पढ़ के अधिकारों की राजनीति में आ रहे हैं और इसलिए भीम आर्मी का परिवार दिन पर दिन बढ़ रहा है। दिल्ली हिंसा का कहना क्या चाहते हैं? जाँच होगी उन सब मीडिया कर्मियों की जब बहुजन समाज के लोग सत्ता में आएंगे, जो इस तरह का झूठ फैला के हमारे लोगों को बदनाम कर रहे हैं। दिल्ली की सत्ता में आएंगे? दिल्ली नहीं, पूरे देश की सत्ता में आएंगे, एक समय आएगा ना, हम सबके लेखा जोखा रख रहे हैं। अच्छा, चर्चा का बाजार गर्म है समाजवादी पार्टी से, तिक चर्चा होती है, मीडिया के लोग ही चर्चा का बाजार गर्म कर रहे हैं। का गठबंधन अखिलेश जी के साथ होगा, उसके बारे में आपका क्या? मैं उसके बारे में इतना ही कह सकता हूँ कि जो कुछ होगा ये मेरा अकेले का निर्णय नहीं है,
ये पूरा बहुजन परिवार इसलिए बना रहे हैं कि बैठ के लोग निर्णय लें कि मूवमेंट के लिए क्या अच्छा है, और सबसे पहले तो हम तैयारी करेंगे कि अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएं। अगर हम खुद मजबूत होंगे तो सिंगल जाके लड़ेंगे, और अगर भाजपा को रोकने के लिए किसी का सहयोग लेना पड़ा तो वो भी करेंगे। अच्छा, गठबंधन की संभावना है आप चर्चित? और बीजेपी और कांग्रेस हमेशा से ही बहुजन समाज के खिलाफ है, तो व्यक्तिगत तौर पे किसी को भी किससे मिलने का अधिकार, ये तो लोकतंत्र है, अब उनके भी अधिकार हैं भाई, उसे आप लोग नहीं रोक सकते हैं। बाकी मेरा प्रयास ये है कि बहुजन समाज के मुद्दों पे काम हो और उनकी राजनीति। यही 15 तारीख को बताने के लिए बुला रहे हैं आप लोग। इस देश के संविधान को पूर्ण रूप से लागू करवाना है, जिस दिन वो लागू हो जाएगा तो उस दिन समझिए इस देश में बराबर गैर बराबरी खत्म हो जाएगी, सबको बराबर के अधिकार मिलेंगे। चंद्रशेखर जी, आप राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं, इसके लिए तो अग्रिम शुभकामनाएं, लेकिन आपको जानकारी होगी एक बात कि बिहार में एक दलित सेना के माध्यम से लोक जनशक्ति पार्टी को मजबूत किया गया है, और उससे भी एक दलित को, दलितों की आवाज़ को मजबूती देने के लिए रामविलास पासवान और स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी जो है जोर शोर से पूरे भारत में घूमे थे, और बिल्कुल आप भी प्रमुखता से आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आए वो अपने परिवार में और सत्ता के आप एक तरीके से बोले तो जो उनका विचार था उससे अलग हट चुके, तो आज जो बहुजन समाज है वो आप पे कैसे भरोसा करे कि आप जो है उनके रास्ते को नहीं अपनाएंगे? देखिए, विचारों से ही तो हमारा दल हटा है, तभी तो नया दल बनाना पड़ रहा है। ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये विचारों से हटा, और हमने साबित किया है भाई, पिछले 5-7 साल में काम करके साबित किया है ना, यहाँ बिकाऊ लोग नहीं है, टिकाऊ लोग हैं, और वो नोट नहीं बना जो भीम आर्मी के लोगों खरीद ली, ये स्वाभिमानी लोग बैठे हैं यहाँ। सबसे बड़ी बात है कि हमारा काम प्रमाण पत्र देगा, और जिस दिन ये सत्ता में होंगे उस दिन इनके लोगों पर कोई अत्याचार कर देगा, ये भी गलत फहमी लोगों को निकालनी पड़ेगी, और जिस दिन ये सत्ता में होंगे ये यहाँ आंदोलन थोड़ा ही करेंगे, नोएडा में ही आंदोलन थोड़ा ही करेंगे रोजगार के लिए, इनके पास रोजगार होगा भाई, ये रोजगार देंगे। अभी बदलेगा समय, अभी देश का बहुजन समझदार हो रहा है, ताकतवर हो रहा है, उनको भी अपने बच्चों की फिक्र है, तो मैं गारंटी अपने काम से दूंगा। अब राजनीतिक दल हमने गुल्ली डंडा खेलने को तो नहीं बनाया, राजनीति करने को बनाया, अब जो भी चुनाव आएगा उसको लड़ेंगे। अब आप नौजवानों का जोश देख रहे हैं, तो चुनाव भी लड़ेंगे और रिश्तेदारी भी अपनी, ये भी सुनिश्चित करेंगे हमारी रिश्तेदारी सिर्फ चुनाव हारने के लड़े सुनिश्चित हो और हमारे लोग विधानसभा में जाएं। और जिस दिन इस दल का पहला व्यक्ति विधानसभा में जाएगा, आप याद रखिए जिस प्रदेश से जाएगा उस प्रदेश में इन कमजोर लोगों की आवाज़ को उस सरकार को सुनना पड़ेगा। धन्यवाद।